नमस्कार दोस्तों, जीबी सेना चैनल में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि YouTube पे वीडियो वायरल कैसे होती है और अगर वायरल होती है तो वो कितने समय के लिए वायरल रहती है और भी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरी देखिए, क्योंकि इसमें मैं जो भी आपको जानकारी और जो भी आपको समझाने वाला हूं वो एकदम लाइव और एकदम प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के जो मेरी वीडियो वायरल हुई है उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कैसे वायरल हुई और उसे कितना समय लगा। तो वीडियो वायरल करने से पहले कुछ जरूरी मैं आपको बातें बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे जरूरी है मेन बात की आपका कंटेंट, ठीक है। ये नहीं कि आपने यूट्यूब पे किसी और की वीडियो देखी जिस पे आप देखते हैं कि 8 लाख 10 लाख 12 लाख व्यूज है और आपने उसकी वीडियो को कंटेंट किया, मतलब कि कॉपी किया और आपने उसी की तरह कुछ डायलॉग बदल दिया, कुछ टाइटल बदल दिया और बस आपने उसी की तरह एक्टिंग करके डाल दिया आपने यूट्यूब पे, और फिर आप कहेंगे कि भैया हमारे चैनल पर तो वायरल तो किया, व्यूज ही नहीं आ रहे, तो व्यूज़ कहाँ से आएंगे। वो वीडियो वायरल है क्योंकि उनके ऊपर आपने बनाया है, तो वो एल्गोरिथम जानता है कि ये उनकी वीडियो से थोड़ा बहुत कॉपी किया हुआ है, तो आपकी वीडियो ऐसे में वायरल नहीं होगी। वायरल कैसे होगी, देखिए यहाँ पे मैं अपनी वीडियो की बात कर लेता हूँ। मेरी एक वीडियो है जिसका टाइटल है कि जो ऐप्स डिलीट नहीं होते उसे आप डिलीट कैसे करेंगे। अभी आप अपने YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं कि आप वहाँ पे लिखिए कि जो ऐप डिलीट नहीं होते उसे डिलीट कैसे करें। तो सबसे पहली वाली फर्स्ट वाली वीडियो मेरी आएगी, क्योंकि वहाँ पे जो मेरे वीडियो का टाइटल और थंबनेल है वो यहाँ पे एट्रैक्टिव है और सबसे फर्स्ट वाला। बाकी जो वीडियो है वो ऐसा नहीं कि वीडियो उस टाइटल पे नहीं है, है लेकिन कितनी है कि 15-25 या तो 50 या 100 वीडियो है। ऐसा नहीं कि लाखों हज़ारों वीडियो भरी पड़ी है, उसमें आपकी वीडियो कभी नहीं दिखेगी। जो कि मैं कहने का मतलब यही है कि आप जो कोई भी कॉन्टेंट या वीडियो बनाते हैं वो आप अच्छे से पहले दिमाग में बिठा लीजिए कि आपका अकेला ऐसा वीडियो हो जो कि उसके ऊपर ऐसी वीडियो ना हो, ज़्यादा ना हो, वो तो हो सकता है लेकिन ज़्यादा ना हो, ठीक है। कम से कम वीडियो हो और उसमें आपको उन सभी वीडियो से थोड़ी हट के वीडियो बनानी है और मेन बात की उसका थंबनेल, ठीक है, वो आपको एकदम एट्रैक्टिव रखना है, तभी आपकी वीडियो वायरल होगी। और वायरल ऐसा नहीं है कि कोई एप्लीकेशन या सेटिंग से आप बस ऐसे क्लिक करेंगे तो वायरल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए कि आपकी 3 मिनट की वीडियो है और कोई बंदा उसे 2 मिनट या तो 1.5 मिनट भी देख लेगा, तब भी आपके वीडियो का जो CTR है वो बढ़ेगा और उसी से इंप्रेशन दूसरे लोगों को भेजेगा कि नहीं, उस बंदे ने ये इस वीडियो को 1.5 मिनट तक देखा, मतलब कि उस वीडियो में कुछ है। बाकी जो कोई भी भले ही 10 मिनट में 10 सेकेंड में वो छोड़ के चला जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपके वीडियो में वो बात है जो कि ऑडियंस देख रही है और उसे छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा हो और वो आराम से मतलब कि 1.5 से 2 मिनट तक वॉच कर लेगा, 3 मिनट की भले ही वीडियो हो लेकिन उसे आधा वॉच कर लेगा, तो फिर भी ये यूट्यूब समझ लेगा कि इस वीडियो में कुछ ऐसी बात है जो कि मतलब कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उस वीडियो को आगे भेजेगा। और जिससे क्या होगा कि आपकी वीडियो थोड़ी 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 करके वो पहले 100 लोगों को भेजेगा, फिर 200 लोगों को भेजेगा, फिर 1000, फिर 2000, फिर 5000, 10000, इसी तरीके से वीडियो वायरल होती है, ना कि किसी टिप्स एंड ट्रिक्स बाकी सब वीडियो की तरह, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ एकदम बारीकी से समझाऊंगा। मैं अपना यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्ड मतलब कि मेरे एक वीडियो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि उसमें आप किस तरीके से देखिए कि मैंने ना तो कोई ऐसा टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग ऐसा कुछ भी, ऐसा पहले जब मैंने अपलोड किया था तब ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। वही जो मैंने अपने दिमाग से सोचा कि ये रखना चाहिए ये रखना चाहिए वही रखा है, ना कि किसी वीडियो का मैंने कुछ भी कॉपी किया है, ठीक है। जो भी मैंने डाला है वो अपने दिमाग से सोच के वीडियो बनाया था और फिर भी उसी से मैंने डाला था। आप देखेंगे थंबनेल तो थंबनेल में भी मैंने कुछ भी ज़्यादातर काम नहीं किया है, रेड बैकग्राउंड है और ऊपर बस वही जो टाइटल लिखा है वही उसमें भी लिख दिया है, फिर भी वीडियो वायरल है। क्यों? क्योंकि ऐसी वीडियो यूट्यूब पे और नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जो कोई भी वीडियो बनाएं लेकिन आप सबसे पहले वो फाइंड करें कि उसके ऊपर कितनी वीडियो बनी हुई है अगर है तो उस पर व्यूज़ कितने हैं, ठीक है। वो कोई सर्च कर रहा है नहीं कर रहा है सब कुछ आप देख के फिर वीडियो बनाएं, तभी आपकी वीडियो वायरल होगी। और अगर आप ऐसे वीडियो वायरल कर देंगे तो कभी भी वायरल तो भी आपकी चैनल पे मतलब कि आपके वीडियो पे व्यूज़ भी नहीं आएंगे। तो ये तो हो गई कुछ ज्ञान की बातें और अपने आपको जो बताने वाला हूँ वो ज़रा हटके है, ठीक है। इतनी वीडियो देख ली, अभी आधी और देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मेरे अपना जो वीडियो है उसके बारे में बताने वाला हूँ। बिना स्किप किए वीडियो पूरी देखिए। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि आप सबसे पहले सर्च करके देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को सर्च करके दिखाता हूँ, देखिए।
ठीक है, ये मैंने अपनी वीडियो का टाइटल डाल दिया। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाली ये मेरी वीडियो है जिसपे आप व्यूज देख सकते हैं 3.5 लाख, ठीक है, 1 ईयर से गो, मतलब कि एक साल ऊपर हो चुका है मैंने इसको अपलोड किया था, और ये लगभग 3 मिनट की, समझ लीजिए कि 3 मिनट की वीडियो है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ YT स्टूडियो में जाके। तो देखिए आप यहाँ पे मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था 7 अप्रैल 2019 को, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपलोड किया था, और अपलोड के कितने दिन बाद व्यूज़ चालू हुए थे आना वो आप पहले देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक दो व्यूज़ है, लेकिन आप ठीक से समझेंगे कि मैंने अप्रैल में ये वीडियो अपलोड किया था और मेरा वीडियो वायरल होने का स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो देखिए अगस्त नहीं लेकिन सितंबर से शुरू हुआ था, देखिए यहाँ से, ठीक है, एक दिन के 12 व्यूज़ थे, फिर 40 थे, फिर 80 थे, फिर 100 थे, इस तरीके से। देखिए मैं आपको यहाँ से पूरा दिखाता हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि लोग वीडियो को कितना ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है, कितना परसेंट तक देख रहे हैं, तो यहाँ से यही साबित होता है। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे वीडियो वायरल होगा वैसे वैसे व्यूज़ बढ़ेंगे आपके, इस तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो डाला और तुरंत ही व्यूज़ आना स्टार्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। जब मैंने वीडियो को डाला था उसके 2-3 महीने बाद व्यूज़ आना स्टार्ट हुए थे। यहाँ पे आप ठीक से देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको एक एक महीने का दिखाता हूँ। देखिए दिसंबर 2019, ठीक है, 4916, 10,323, इस तरीके से। यहाँ पे मैं सिर्फ क्लिक करता जाऊँगा, आप सिर्फ यहाँ पे व्यूज़ देखते जाइए, ठीक है। ये मार्च का 20,000, फिर ये अप्रैल का 28,000, फिर ये मई का 31,000, ठीक है, इस तरीके से। ये अगस्त का 42,000, फिर ये नवंबर का, तो नवंबर का थोड़ा कम है, लेकिन ये व्यूज़ ऐसे आता है। ऐसे नहीं कि बस व्यूज़ आना एकदम से 1-2 लाख 3 लाख ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। 2,000 आता है, फिर 3,000 आता है, वैसे वैसे बढ़ता है। और यहाँ पे आप ऑडियंस रिटेंशन देख सकते हैं कि 1.20, ठीक है। यहाँ पे मेरी आधी वीडियो देख रहे हैं, 2.55 मिनट की वीडियो है, लेकिन यहाँ पे आधी देख लेंगे तब भी इतना वीडियो वायरल है। और यहाँ पे मेरा इंप्रेशन आप देख सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये कितना है आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसका भी लाइफ टाइम करके दिखाता हूँ, ठीक है। जब अपलोड की तब कुछ भी नहीं था, अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 13 ऐसे शुरू हुआ था, फिर 250, फिर 600, ऐसे ऐसे बढ़ता गया, 3,000, 4,000, 6,000, 8,000, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप सब कुछ यहाँ पे देख लीजिए। और ये है इम्प्ले, मतलब कि CTR बोलते हैं, तो यहाँ पे ये CTR है, देखिए ये 13%। और इसका ऐसा नहीं है कि ये आपको भी इतना ही आएगा, ये किसी वीडियो में ही इतना होता है, बाकी इतना ज़्यादा किसी का भी नहीं होता, होता है लेकिन 3.6 पॉइंट इतना ही होता है। ये मेरी वीडियो में 13.4 इंप्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे सबसे मेन बात है यूट्यूब सर्च, जो कोई भी सर्च करता है तो फर्स्ट वीडियो मेरी पहली दिखती है। और बाकी तो यहाँ पे जो कोई भी शेयर करता है वो यहाँ पे, ये देखिए व्हाट्सअप 30% शेयर है, वो इस महीने का है, बाकी तो यहाँ पे शेयर वेयर कुछ भी नहीं था। लेकिन सबसे मेन बात आती है कि यूट्यूब पे जो कोई भी सर्च करता है और वहाँ पे पहली वीडियो या दूसरी वीडियो आपकी दिखती है, तभी वो लाइफ टाइम वायरल होती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप सब कुछ अच्छे से समझ गए हो। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी फायदा होता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस चैनल पे आपको जो कोई भी जानकारी मिलेगी वो एकदम प्रूफ के साथ होगी, एकदम सच्ची होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।